व्हाट्सअप गाइस, तो की हाल चाल, सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब आदाब। तो भाई आज के सीन कुछ ऐसे हैं, तो आज हम चला रहे हैं अपने फेजर। तो काफ़ी टाइम से इसके ऊपर हमने कोई वीडियो नहीं डाला, तो सोच रहे हैं कि इस पर भी एक वीडियो आ जाए। मज़ा आ रहा है ना भाई राइड करने में? तो ऐसे बहुत कम ही चांस मिलते हैं कि वीडियो बनाते बनाते थोड़ी आपसे बात भी हो जाती है। और ज़रा भाई दिखा दे ज़रा कौन सी है। तो भाई ये है हॉर्न, तो थोड़ा रोक के बात करते हैं अब। तो हॉर्न दिखाता हूँ मैं आपको, और आपने पहले एक देखा होगा, मैंने अपनी एक्टिवा के अंदर हॉर्न लगाया था। एक उससे पहले इसके अंदर एक हॉर्न लगाया था जिसको बुल हॉर्न, तो भाई मेरे को तो नहीं लगा था बिल्कुल। काफ़ी लोगों ने बोला भाई ये बुल तो कम, किसी दूसरी चीज़ की आवाज़ लग रही है। तो गाइस बिल्कुल सही पहचाना आपने, तो वो बिल्कुल बुल जैसी आवाज़ तो थी नहीं। लेकिन आज की जो वीडियो होगी ना, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो यार, पूरा लास्ट तक देखिएगा। हॉर्न के अंदर आज तक आपने LED नहीं देखी होगी ना, आज टेक्नो की वीडियो में ज़रूर देखने वाले यार आप हॉर्न के अंदर LED। भाई साहब मज़ा आने वाला है, तो दिखाओ भाई ज़रा हॉर्न। तो भाई ये है, देखो हॉर्न है, तो आपको मैं बता देता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग करके। तो ये कुछ इस तरीके के पैकिंग में निकलता है, तो इसको खोल के दिखाते हैं ना। तो शाज़िम की फरमाइश आई है कि बोलता है कि भाई मैं इस चीज़ की अनबॉक्सिंग करूँगा टेक्निकल गुरुजी के अंदाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बॉक्स में से निकलने के बाद में ये आपको हॉर्न्स कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे, जो कि है पूरे ट्रांसपेरेंट। तो देख पा रहे हो ये इसके अंदर लगी हुई है कुछ LED जो कि आपको यहाँ से दिख रही होगी। तो ये LED की वायर है जो हमारी कनेक्ट होती है इन दोनों नेगेटिव पॉजिटिव पे। तो दोनों हैं सेम तरीके के से, ये भी देखिए आप। तो दोनों में लगी हुई हैं लाइटें कुछ इस तरीके से, और दोनों के कनेक्शन हुए यहाँ पर। और इसके साथ में मिल जाता है हमारे को इसका एक एडाप्टर जो काम करेगा इसका म्यूजिकल हॉर्न्स के लिए। तो देखा गाइस आपने कितनी बढ़िया इसकी फिनिशिंग में हॉर्न्स मिल जाते हैं आपको। और ये आपको जो मोक हॉर्न है तो उससे कई ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो 100% क्वालिटी सिक्योरिटी है गाइस इसके अंदर। और डिजिटल हॉर्न है इसके, मैजिक हॉर्न कह लीजिए। और ये है आपका हॉर्न टाइप R, और इसके पीछे आप देख पा रहे हो। तो ये है इसके सारे इसके स्पेसिफिकेशन कुछ इस हॉर्न के बारे में, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इस बॉक्स के ऊपर। एंड गाइस आपको पीछे इसका एक डायग्राम देखने को मिल जाता है जो आपको बताता है कि कौन सी वायर हमारी किस तरीके से लगनी है। तो जैसे कि हॉर्न देख पा रहे हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर स्विच है, बैटरी है, तो सारे आपको चीज़ें दिख जाएगी इसके पीछे ही, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देख पा रहे हो यहाँ पर सब इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इस हॉर्न के। तो चलिए अब इसको अपनी बाइक के अंदर लगा के देखते हैं। सो यस यामाहा, तो प्लानिंग करी है मैंने इधर लगाने के लिए हॉर्न, तो ताकि ये होगा अगर मैं इधर हॉर्न लगा दूंगा तो इसके इस साइड में से LED लाइट भी जलती हुई नज़र आएगी, और इसकी जो साउंड है वो साउंड भी सीधी सामने आएगी। जो पहले वाले हॉर्न है, तो ये देखो स्टॉक हॉर्न है जो कि यहाँ लग रहे हैं, और इसकी जो कंट्रोल यूनिट वगैरह है वो भी मैं इधर ही कहीं लगा दूंगा, और जिससे ये होगा मैं कोई एक्स्ट्रा वायर की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इधर लग जाएगा एक हमारा राइट वाला, सो लेफ्ट वाला लग जाएगा हमारा इस स्क्रू पे। तो जैसे कि आप पत्तियां देख रहे हो इसकी ब्रैकेट, तो सिंपल है, स्क्रू खोल के हमने इस पर लगा देना है, तो आपको लगा के दिखाता हूँ। सो दोनों साइड के हॉर्न लगने के बाद में कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, और देख पा रहे हो एकदम मजबूती के साथ में लगे हुए ये। और बाकायदा आप इसकी पीछे की जो पत्ती है उसको थोड़ा मोटा करके इसको जिस तरीके से हिलना है वो बंद कर सकते हो हिलना इसका। तो आते हैं वायरिंग की तरफ, तो देख पा रहे हो ये है इसकी दोनों वायरिंग। तो एक लगा दी मैंने एक पॉजिटिव पे एक नेगेटिव पे, और इसी तरीके से लग जाएगी दूसरे हॉर्न की, एक आ जाएगी इसकी नेगेटिव पॉजिटिव, और ये जो आप ब्लैक वाली वायर देख रहे हो ये लगेगी हमारी ब्लैक टर्मिनल पे यानी कि बैटरी के, और ये आएगी हमारी मेन सप्लाई की यानी कि इस स्विच से। तो ये जो स्विच होता है तो इसकी वायर आ गई हमारी इधर आ गई, तो मैंने एक वायर लेके लंबी सी देख पा रहे हो, अब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा इस वाली वायर से। और ये हमारी जो बस्ती है ब्लू वायर, तो ये लग जाती है हमारी मेन हॉर्न की वायर पे। तो जैसे कि आप मेन हॉर्न देख रहे हो यहाँ पे, तो इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगी हमारी ब्लू वाली वायर। तो सिंपल सा इसके कनेक्शन है गाइस, और मैं आपको लगाने के बाद मैं इसकी साउंड चेक कराता हूँ। सो अपने हॉर्न लग चुके हैं और वायरिंग भी अच्छे से हो गई। तो देखो ये हमारा लेफ्ट का और ये है हमारा राइट वाला हॉर्न। अब हमने स्टार्ट करना है इसको, तो सबसे पहले हमने अपनी की ऑन कर लेनी है।
तो की ऑन होते ही तो जैसे कि हमारा नॉर्मल हॉर्न होते थे वैसे बजेगा। तो गाइस देखा आपने कितने इजी तरीके से लग चुका है अपना हॉर्न। तो अभी मैंने 2 साउंड है इसके अंदर सुनाई थी और 16 बाकी है। तो आपको दिखाता हूँ जो एलईडी है तो 16 तरीके की साउंड के साथ में 16 तरीके के साथ में ही ये अलग अलग तरीके से चलेगी। तो आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो चलिए वो भी देख लीजिए। बहुत तेज़ आवाज़ है गाइज लीड में, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। और जो आप ये मेरे पीछे लाइट देख रहे हो ये है ई लाइट। तो इसके देखो इससे बटन से इजीली तरीके से चेंज हो जाते हैं। इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो अभी इंजॉय करते हैं अपने ये हॉर्न। सो गाइस इस तरीके से के जो हॉर्न होते हैं वो बिल्कुल ही अलग आपको एक फीलिंग देते हैं जब बजाते हो। यार ऐसा लगता है कि नई सी चीज़ आ गई अपने पास में। और देखा आपने कितने इजी तरीके से मैंने अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल कर लिया। और ये जो हॉर्न है ये फुल वाटरप्रूफ है, जैसे कि आप इसके ऊपर पानी डालोगे या अपनी बाइक वगैरह को वॉशिंग के टाइम पर दोगे तो आप इसके हॉर्न को ख़राब नहीं होगा। तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो जैसे कि LED देख पा रहे हो ये फुल इसके अंदर है, हॉर्न के अंदर अच्छे से हो रखी है। और इसकी जो वायरिंग है वो भी देख पा रहे हो यहाँ से। और ये LED के ऊपर इसकी PVC कोटिंग चढ़ी हुई है ताकि पानी से ख़राब ना होए। सो गाइज अगर ये आपको बाय करना होगा तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इंस्टाग्राम पे अगर आपको ये मिल जाते हैं तो वहाँ से आप जाके बाय कर सकते हो। और भी चीज़ें आपके लाइक इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो भी कर लेना अपने इंस्टाग्राम पेज को। और ये जो हॉर्न है ये आपको अपनी कार में भी लगा सकते हो, बाइक में लगा सकते हो, स्कूटर में लगा सकते हो। बस यही था आज की इस वीडियो में। होप यू गाइस वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी हो। अगर लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय। और एक बात और, रात का शॉट ज़रूर देख के जाना आप। Some girls don't have it all. Some girls.